बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में जो सिटी का पेपर हुआ था लास्ट संडे 14 मई 2022 में जो सिटी का पेपर हुआ है, तो उस पेपर में जो हमारे पास मैथ्स पोर्शन है उसके एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने डिस्कस करना है। टोटल एमसीक्यूज जो थे वो इस पेपर में 100 एमसीक्यूज आए थे और उस पेपर को ईटन ने कंडक्ट किया था और 100 एमसीक्यूज में से 20 एमसीक्यूज जो थे वो मैथ्स पोर्शन से थे। तो मैथ्स की आज की इस वीडियो में मैथ्स की एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने डिस्कस करना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने एक्सप्लेन करना है आज की इस वीडियो में। सो एमसीक्यू नंबर 9 से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि मैथ्स पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 में है कि द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीन बाय डिजिट्स। तो यहाँ पे देख लो, तो ये आपका 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे आपके 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी आपके 4 डिजिट्स हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 0। ओके, तो ये आपके 6 डिजिट, यहाँ पे आपने एक यू शुड बी केयरफुल ओवर हियर कि 6 डिजिट में आपका एंड वाला 1 होगा, लाइक 1 2 3 4 5 0, दिस इज 6 डिजिट। ओके, सो दिस इज दी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, अगर 5 डिजिट आ जाए तो फिर आपने 4 0 पुट करने हैं और एंड पे 1 करना है। सो दिस इज दी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज दिस वन, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज दिस वन, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज दिस वन, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज दिस वन। ओके, अच्छा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप देख लो हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, लाइक 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, 9 इज दी ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। क्यों 9 हमारे पास ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है? क्योंकि इसके बाद हमारे पास 10 आते हैं और 10 इज दी 2 डिजिट नंबर और 10 में हमारे पास 2 डिजिट नंबर होते हैं। ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5, ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अब हमने सबट्रैक्ट करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या आता है? तो यहाँ पे मैं 1 0 1 2 3 4 5 आ जाता है, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्या जाएगा, इसको सबट्रैक्ट कर लो, तो 0 इज लेस देन 9, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 और 9 आ जाएगा, तो 10 - 9 1 आता है, इससे 0 0 0 0 आता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एमसीक्यू नंबर 10। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10 40 160 640 इज। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस टेस्ट में आए, तो वो ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। वो वीडियोस आपने मेरे चैनल में आना है, आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट में आने हैं। तो प्लेलिस्ट में आपने ये बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आने हैं और इसी बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं कि हमारे पास जितने भी बेसिक्स हैं मैथ्स के, लाइक आपके जितने भी अभी अपकमिंग टेस्ट आ रहे हैं, तो उसमें जो मैथ्स पोर्शन आएगा, तो वो सारा मैथ्स पोर्शन आपके इन्हीं वीडियो से कवर हो जाएगा। ओके, इसमें आपके एनालिटिकल पोर्शन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए, तो ये सारे वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे मैथ्स के हवाले से। ओके, इसमें सारे बेसिक्स मैथ ने एक्सप्लेन किया, लाइक आपने एरिया, सरफेस एरिया, ये सारे किस तरह फाइंड करने हैं, आपने लाइक कोई साइड आपको फाइंड करना, तो वो आपने किस तरह फाइंड करना है, किस तरह आपने कोई फार्मूला किस तरह आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, तो यहाँ पे इसको भी अप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे। ओके, तो अच्छा, ये सीक्वेंस में ऑलरेडी इन्हीं वीडियोज़ में आपको ये इस टाइप के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, इसके पीछे जो पूरा कंसेप्ट है मैं यहाँ पे वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास सीक्वेंस होता है, इस तरह का सीक्वेंस आ जाए तो वो या तो आर्थमेटिक सीक्वेंस होगा या वो आपके ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि आर्थमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? आपने 2 टर्म्स को पिक करने, इनका रेशो फाइंड करने। अगर वो रेशो आपका सेम आ रहा है एज दी अदर रेशो, लाइक इन दिस केस यहाँ पे मैं इन 2 टर्म्स को पिक कर लेता हूँ, तो यहाँ इससे रेशो फाइंड कर लेता हूँ, वो मेरे पास 4 आ रहा है। आप 160 डिवाइड बाई 40 कर लो, तो इससे भी आपके पास 4 आ रहा है। फिर 640 डिवाइड बाई 160 कर लो, तो इससे भी हमारे पास 4 आए। तो सारे रेशो हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर आपका डिफरेंस सेम आ रहा हो, 40 - 10 करो से हमारे पास 30 आता है, फिर 160 - 40 कर लो, तो इससे हमारे पास 120 आता है। अगर ये भी 30 आ रहा हो और दूसरा भी, फिर आप करो 640 - 160 कर लो, उससे भी हमारे पास 30 आ रहा हो, तो इट मीन्स हमारे पास डिफरेंस सेम है, तो इट मीन्स कि हमारे पास आर्थमेटिक सीक्वेंस है। ओके, अच्छा, जब हम सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा सीक्वेंस है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग हमने उसी के फार्मूला से अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा फॉर फाइंडिंग दिस nth टर्म। तो ये nth टर्म क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी इक्वल टू ए वन फर्स्ट टर्म आर टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। तो ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी ए वन क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। आर हमारे पास ये डिफरेंस है तो 4 हो जाएगा, और एन हमारे पास क्या है, दैट इज 5 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो ए फिफ्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स 4 टू द पावर ऑफ ये 4 हो जाएगा। तो इसका फाइंड के लिए मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है 256 आ रहा है, वहाँ से 256 टाइम्स 10 करो तो उससे आपका 2560 हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 11 दैट इज how many pieces of 4 divided by 10 meters of wire can be cut from a wire which is 8 divided by 5 meter long? Okay, wire हमारे पास 8 divided by 5 long है। Okay, उसकी मैंने पीसेस करनी और एक पीस का लेंथ कितना होना चाहिए, वो that is 4 divided by 10 meter होना चाहिए। तो क्या करना है आपने, 8 divided by 5 divided by 4 divided by 10 करना है। तो ये इसको आप नीचे ले आओ तो ये आपका 8 divided by 5 हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले जाओ तो ये आपका 4 और 10 ऊपर चले जाएगा। तो 5 times 1 is 5, 5 times 2 is 9, 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, 2 times 1 is 2, 2 times 4 is 2, 2 times 4 is 8। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी आएगा 4, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 दैट इज द एज ऑफ Ashraf is 15 years 10 months and the age of Akmal is 17 years 5 months. Find the ratio of between their ages. तो जब भी आपने रेशियो फाइंड करने तो हमने क्या करना है, सेम यूनिट में लाने हैं। यहाँ हमारे पास ईयर्स है, यहाँ हमारे पास मंथ है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि सारे ईयर्स को हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 15 ईयर्स में कितने मंथ्स हो जाएंगे, तो 15 टाइम्स आपने क्या करना है, 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो 15 टाइम्स 12 करने तो वो आपका मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 टाइम्स 12 वो 180 आता है, 180 मंथ्स हो जाएंगे। और फिर 10 को प्लस कर लो क्योंकि हमारे पास सेम यूनिट हो गए, तो सेम यूनिट होंगे तो फिर आप प्लस कर सकते हो। अब 15 प्लस 10 में नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ईयर्स यहाँ पे मंथ है, तो इसको मैंने मंथ में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास 180 मंथ आ गया, फिर 10 190 मंथ्स हो जाएंगे टोटल। डिवाइड बाय रेशो मैंने फाइंड करें तो डिवाइड बाय 17 ईयर्स हैं, तो 17 को मंथ्स में कन्वर्ट कर लूँ तो वो हमारे पास 204 आते हैं, 204 प्लस 5 तो इससे क्या आता है 209 आते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.909 आता है, 0.909। अब इनको स्टेप बाय स्टेप आपने डिवाइड करना है। 9 रेशो 10 को हम 9 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हैं, उससे हमारे पास 0.9 आएगा। 10 डिवाइड बाई 9 से हमारे पास 1.11 आ रहा है, 11 डिवाइड बाई 10 से हमारे पास आ रहा है 1.11, और 10 डिवाइड बाई 11 से हमारे पास आ रहा है 0.90909। ओके, तो वो आपका ये ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 13 दैट इज 1.5 प्लस 0.7 प्लस 1.5 माइनस 0.5। सबसे पहले आपने इन ब्रैकेट्स वाले टर्म्स को करना है, तो 1.5 माइनस 0.5 करो, इससे हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास 0.9 आएगा। 1.5 माइनस 0.5, 1.4 माइनस 0.5 तो 0.9, इससे आ रहा है 0.9 प्लस 0.7 कर लो, 0.9 प्लस 0.7 तो 1.6 आ रहा है, 1.6 प्लस 1.5 कर लो तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3.1। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 35 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, मैथ्स क्वेश्चन वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो एमसीक्यूज नंबर 35 दैट इज ए डैश इज अ नंबर व्हिच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। ओके, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लो कि डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है। हमारे पास इस तरह हम जब भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट होता है, लेट्स सपोज दैट इज ए, यहाँ पे बी होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। ये हमारे पास ये हमारे पास डिवाइडेंट है। ओके, दिस इज डिवाइडेंट। ओके, ये हमारे पास डिवाइजर है। ओके, डिवाइजर। ओके, ये हमारे पास क्वोशंट है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। ओके, तो डैश इज अ नंबर व्हिच डिवाइड द डिवाइडेंट, इट मींस के व्हिच डिवाइड द डिवाइडेंट कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। दिस इज यहाँ पे आपके पास 0 हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पास फैक्टर होता है क्योंकि हमारे पास लाइक 2 इज द फैक्टर ऑफ, हम कहते हैं ना कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। तो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको आप कर लो 4 या आप डिवाइड करो 2 टाइम्स 2 इज 4, यहाँ पे 0 आ जाए, रिमाइंडर आपका जब भी 0 आ जाए तो वो आपका फैक्टर होगा। ओके, तो उसका हम फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 36 दैट इज u बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक्चुअली अगर a बार आपको गिवन हो तो इट मीन्स कि u माइनस a। ओके, b बार आपको गिवन हो तो इट मीन्स कि u माइनस b। ओके, u बार आपको गिवन तो इट मींस कि u minus u which is empty set। ओके, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 37 दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मींस कि आप इसका स्क्वायर रूट ले लो इन नंबर्स का, तो आपके पास कोई वैल्यूज आ जाए, डेसिमल में ना आए, कोई होल नंबर आ जाए। ओके, तो 540 कर लो तो 7 प्लस कोई होल नंबर आएगा, 784 को आप कर लो तो 784 से हमारे पास आता है 28, ओके, लाइक 28 टाइम्स 28 कर लो तो इससे हमारे पास क्या आता है 6K हो जाएगा। 28 टाइम्स 28 कर लो तो इससे हमारे पास आता है 784 आता है इससे हमारे पास। तो दिस इज ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एंसर नंबर 38, ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ इतना, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने क्या करना है 90 किलोमीटर इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई विल गेट इन मीटर। तो हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके, डिवाइड बाई ये हमारे पास आर है तो आर को भी मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि हमारे पास 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ ये इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये किलोमीटर इस किलोमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 20 से इस 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 900 डिवाइड बाई 36 आ जाएगा। तो इसको भी 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 4 इज 12, 3 टाइम्स 1 इज 3, 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 टाइम्स 20, 4 2 8, 4 टाइम्स 25 इज इक्वल टू 100। इसमें हमारे पास 25 ऑप्शन ए में हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नंबर 39 दैट इज 9y की पावर 4 डिवाइड बाई 3y की पावर 2। तो ये 3 टाइम्स 3 इज 9 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, y की पावर 4 इन डिवीजन दी पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो -2 हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3y स्क्वायर। ऑप्शन बी में हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारे पास फिर 61 से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, 61 टेंजेंट 45 इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या होता है टेंजेंट एक्चुअली हमारे पास होता है साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45। तो साइन 45 हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट के इक्वल होते हैं और ये भी 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इसको नीचे लेवल ये ऊपर चले जाएगा, ये आप कैसे हो जाएगा इससे हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 62 दैट इज द इंटरनल एंगल एट व्हिच ईच वर्टिस ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीन बाय वर्टिस। तो यहाँ पे आप देख लो ये रेक्टेंगल है तो ये इसके 3 वर्टिसेस हैं। ओके, इसको हम वर्टिस कहते हैं। तो ऑक्टागोन को हमने ड्रा करना है तो ऑक्टागोन आपका कुछ इस तरह ड्रा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है 360 डिवाइड बाई 8 करना है। ऑक्टागोन हमारे पास 8 साइड होते हैं तो 360 डिवाइड बाई 8 कर लो, इससे हमारे पास क्या आता है इससे हमारे पास आ जाएगा 45 आता है। अच्छा, ये 45 कौन सा एंगल होगा, ये आपका ये एंगल जो है ये 45 हो जाएगा। ओके, अब हमने इंटीरियर एंगल को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल 180 माइनस 45 करना है तो इससे हमारे पास आ जाएगा 135 आ जाएगा। ओके, तो इसमें हमारे ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 63, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो फिर आपने 45 विल बी योर एक्सटीरियर एंगल और 135 दैट्स विल बी योर इंटीरियर एंगल। ओके, नंबर 63 दैट इज डेसिमल फॉर्म ऑफ 1 1 1 होल 2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस को आपने याद करना है 1 2 4 8 16 32। अगर आपके पास यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे ये इस तरह का नंबर आ जाए और आपसे पूछे कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो फिर आपने क्या करना है 1 ऑन है तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 करने और उससे जो आंसर आ जाए वो आपका डेसिमल में होगा। उसको आपने फिर एमसीक्यूज के एमसीक्यूज में फिर आपने उसको फिर चूज करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा, इस तरह का नंबर आ जाए तो फिर आपने 1 प्लस 2 करना है, फिर इनको ऐड नहीं करना फिर क्योंकि इसके वैल्यू जो है वो 0 है, फिर 16 को ऐड करना है क्योंकि वो 1 है, फिर 32 को करना है क्योंकि वो भी 1 है। यहाँ पे 1 होंगे या 0 होंगे। ओके, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास 1 1 1 3 डिजिट्स हैं और दिस इज 1 2 और 4 है। ओके, ये ऊपर आपका वेट होगा तो इसका 1 है, 1 प्लस 2 पे करना है क्योंकि वो भी ऑन है, +4 करना क्योंकि वो भी ऑन है, ये 0 होगा तो फिर आपने 4 को काउंट नहीं करना तो 4 5 6 आते हैं, इससे 7 आते हैं तो ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 64, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, जब भी आपने नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने और इस तरह के एलिमेंट्स आपको गिवन हो सेट में तो 2 की पावर एलिमेंट्स करने तो एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5 तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। इसमें हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 65, इफ x + 1 / x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x² + 1 / x²। अच्छा, इसमें वो एक फार्मूला अप्लाई करना है, शायद आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा दैट इज 1 a + b² वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है तो इसको अप्लाई करो, दिस विल बी x² + 1 / a² + b² + 2ab। तो 2ab में ये x कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे a is x b is 1 / x दैट्स इक्वल टू 8 स्क्वायर दैट इज 64। तो दिस x स्क्वायर कैंसिल बाय दिस x तो आपका x² + 1 / x² क्या हो जाएगा 64 minus 2 which is equal to 62. अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब है ओके। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लेने, यहाँ पे मैंने क्यूब लेने। अब हमने क्या करना है, हम दोबारा इसके साथ इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो 62 टाइम्स यहाँ पे 8 हो जाएगा ओके। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई 1 आ जाएगा प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। 8 टाइम्स 2 16 496 आ जाएगा इसे। अच्छा अब हमने यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, उससे क्या था, उससे 8 आता है। That's equal to 496। अच्छा एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब 496 माइनस 8 कर लो, तो इससे हमारे पास आता है 488। ठीक, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू इज नंबर 84। If 3x minus 2 square root is equal to 5x plus 4 square root, find the value of x is। तो हमने इसको लाइक 3x minus 2 square root that's equal to 5x plus 4 square root। अच्छा अब in order to cancel these two square root, तो आपने क्या करना है, बहुत साइड पे आपने स्क्वायर लेने हैं। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास 3x minus 2 will be equal to 5x plus 4 आ जाएगा। अब इस 3x को उस साइड पे ले जाओ, तो दिस विल बिकम 3x minus 3x हो जाएगा, 5x minus 3x minus 2 और ये minus 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास -6 आ जाएगा। सो योर x वैल्यू विल बी इक्वल टू -3। तो इसमें ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2, -3 आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस ओके। हमारे पास इस तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, दिस इज एक्स बार, ये हमारे पास वाई होता है और ये हमारे पास वाई बार होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव होता है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है ओके। यहाँ पे आप व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2, -3x। सो दिस इज योर एक्स वैल्यू, ये आपका वाई वैल्यू होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे होते हैं ओके। तो ये वैल्यू आपका होगा यहाँ पे 2 एंड -3 यहाँ पे होगा। सो कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस, आफ्टर इट इज रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव दोनों कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 86। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ। अच्छा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो उसके 4 साइड होते हैं, तो उसके जितने भी एंगल्स होते हैं उनको आप सम ऑफ कर लो, तो आपके पास 360 डिग्री आ जाएगा। तो सम ऑफ 2 राइट एंगल, तो राइट एंगल कितने, तो इट मींस के सम ऑफ 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल मींस के 4 टाइम्स एंगल, राइट एंगल इज 90, तो 4 टाइम्स 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 87। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप ले लो, इसका क्यूब रूट हमारे पास ऑफ यूनिटी विल बी इक्वल टू 1 ओके। ये हमारे पास वो भी है कि आई क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हमने क्लास 9th क्लास में ये पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 2, वी लेफ्ट विद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4, नॉन ऑफ द। इसको मैं काफी एक्सप्लेन में अपने बेसिक मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक में जो हमारे पास वेरिएबल होगा, चाहे वो वेरिएबल x हो, y हो, z, उसका जो पावर होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 2 ओके। लाइक आपका होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके। अगर आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4। तो इट मींस कि आपका x पावर 4 प्लस इस तरह का होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय x minus 2, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक को, व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा ओके। लाइक एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, इससे आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के मैथ्स पोर्शन में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, पहले तो नहीं होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको जनरल पोर्शन के कोई भी पास्ट पेपर चाहिए या आपको जो टेस्ट आ रहे हैं, तो वहाँ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम आपके लिए वो उस टेस्ट से रिलेटेड जो पास्ट पेपर होंगे या हेल्पिंग मटेरियल होंगे, वो हम अपलोड कर लेंगे ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।